इंडिया में आईफोन XS एंड XS Max का सुपर फ्लॉप के बाद आईफोन ने अपना एक नया मॉडल आईफोन XR जो कि कल रिलीज होने वाला है 26 अक्टूबर 2018 को, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये बाय करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अकमिश्रा, सभी का स्वागत है अकरिव्यूज में। लेट्स बिगिन। आईफोन XR का अगर कुछ अच्छाई का बात करें तो उसमें सिर्फ तीन ही अच्छी बात मुझे नजर आती है। नंबर वन कि वो एप्पल का लेटेस्ट A12 बायोनिक चिपसेट में रन करता है। सेकंड थिंग्स IP67 वाटर रेजिस्टेंस है। एंड थर्ड थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, आईफोन का लोगो। और उसके बाद मुझे उसमें एक भी कुछ अच्छा बात दिखाई नहीं दिया। जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं उसका डिस्प्ले के बारे में। पुराना आईफोन X मॉडल अगर देखेंगे तो उसमें हमें OLED स्क्रीन मिलता था, बट इसमें LCD डिस्प्ले। और आईफोन का एक टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि 3D टच, वो भी इसमें नहीं दिया गया है। अभी आप ही बताइए कि बिना 3D टच का LCD डिस्प्ले पैनल को आप 76,964 GB मॉडल का प्राइस पे करना पड़ेगा, और 128 GB का 81,990 rupees। अब यही प्राइस में अगर आप पिछले साल का आईफोन X भी ले रहे हैं तो वो बेटर चॉइस रहेगा। सिर्फ फेस आईडी के मामले में ही आईफोन X थोड़ा कमजोर है, जो कि जो लेटेस्ट आईफोन अभी आ रहे हैं XR, XS, X Max, उससे थोड़ा डिले में वो ओपन होता है, बट परफॉर्मेंस वही सब सेम है। और अगर इसका कैमरा के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो सिंगल कैमरा 12 MP का, मेन कैमरा जो है वो 12 MP का है और फ्रंट कैमरा 7 MP का है। ना इसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, जो कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है। हर एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो, ये लेटेस्ट ट्रेंड है डुअल कैमरा का। और आईफोन का सेल्फी जैसे आता है ये सभी को मालूम है। तो अगर हम इसका बुराई का लिस्ट बनाएं तो इसमें 3D टच नहीं है, इसमें OLED डिस्प्ले नहीं है, और इसका कैमरा भी बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, और ऊपर से एप्पल का मोनोपोली है। अगर वो आपको फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहता तो नहीं देगा, चाहे कस्टमर कुछ भी बोल दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपना मोनोपोली में ही अपना मॉडल डिजाइन करता है और उसे हाई टू हाई प्राइस में सेल करता है। उसका इसी हाई प्राइस के वजह से ही आईफोन XS एंड X Max फ्लॉप हो गया। जो क्रेज रहता है आईफोन लेने का, अब वो क्रेज इंडिया में नहीं है। अब लोग जो है वो समझ चुके हैं कि हमें किसी के अंडर में या फिर किसी के मोनोपोली रूल्स में नहीं रहना है। अगर आप एप्पल का डाई हार्ट फैन है तभी आप कल का वेट करें और ये सेट को जरूर परचेस करें। और अगर आपको सेम प्राइस में कुछ एप्पल का ही प्रोडक्ट लेना है तो आईफोन X को कंसीडर कर सकते हैं, और अगर इससे लो प्राइस में बेटर टू बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था आईफोन XR के ऊपर अकरिव्यूज का ओपिनियन। आप दोस्तों हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।